नाबालिग पहलवान का बदला बयान। पिता बोले बृजभूषण सिंह ने मेरी बेटी से किया भेदभाव, गुस्से में आकर दर्ज कराई थी शिकायत। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान वापस ले लिया है। पहलवान ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को वापस लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा, बृजभूषण सिंह ने मेरी बेटी से भेदभाव किया, इसीलिए गुस्से में आकर शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने बताया कि उन्होंने 5 जून को अदालत में बयान बदल दिए थे। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसने धमकी दी, मेरा भी परिवार है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था, फेडरेशन के अंदर अपील की लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। हमने जो एप्लीकेशन दी उसमें कुछ सच और कुछ गलत था, मैंने सही और गलत को अदालत में जाकर क्लियर कर दिया। मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ करीब 6 घंटे की बैठक की। बैठक के बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार ने पुलिस की कार्यवाही 5 जून तक पूरी करने की बात कही है। प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे महिला पुरुष खिलाड़ियों की भी बात कही और 28 मई की रात को हम पर जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वह सारे वापस लेने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पहलवानों के साथ सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है। लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक किया जाए, रेसलिंग फेडरेशन की आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा, पहलवानों ने अनुरोध किया कि 3 कार्यकाल पूरा कर चुके बृजभूषण सिंह और उनके सहयोगियों को दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पहलवानों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस लिए जाएं। कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।